गाइस वेलकम टू फूडी मेनिया। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि चावल। चावल इज़ द मेन इंग्रेडिएंट्स इन बिरयानी। तो हम लेंगे बासमती राइस, उसके बाद हम लेंगे गोभी जिसको बॉईल कर लिया है, उसके बाद शिमला मिर्च, गाजर, मटर, बीन्स, प्याज, तेज पत्ता, अदरक, लहसुन, काजू, इसमें थोड़ा सा केसर भी चाहिए होगा, उसके बाद दही, पनीर, घी, सूखा मिर्च और गरम मसाला। उसके बाद हमने बासमती राइस को 60% बॉईल कर लिया, उसके बाद हम ऑनियन को फ्राई कर लेंगे एकदम अच्छे से जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। पनीर को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, आलू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। उसके बाद हम लेंगे बर्तन, उसमें हम ढेर सारा घी डालेंगे। हम उसके बाद ऐड करेंगे जीरा, फिर ऐड करेंगे हम बे लीफ, सूखी मिर्च, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, ऑनियन, उसको भी हम एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम ऐड करेंगे मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, सूखी लाल मिर्च पाउडर, उसे भी हम एकदम अच्छे से पका लेंगे। मेक श्योर कि आपका मसाला एकदम कच्चा ना रहे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फिर थोड़ा मसाला भून जाने के बाद हम ऐड करेंगे टमाटर, उसे भी हम अच्छे से स्टीयर कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला गोटा, अच्छे से सबको मिक्स ही करना है इसमें। फिर ऐड करेंगे काजू, किशमिश, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से एकदम हमें पकाना है इसको। फिर ऐड कर रहे हैं हम नमक, और आप देख सकते हैं साइड में ऑयल भी साइड होने लगा। फिर हम ऐड कर रहे हैं आलू जो हमने फ्राई कर लिया था, और गाजर और थोड़ा सा मटर। फिर ऐड कर रहे हैं हम दही। दही डालने के बाद ना मेक श्योर कि आप एकदम अच्छे से मिक्स करें, नहीं तो फिर आपका बिरयानी ख़राब हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा है। अब हमने ऐड करा था, उस वक्त भी ऐड करा था, अभी भी ऐड कर रहे हैं गाजर और मटर, उसको भी हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल एकदम अच्छे से सेपरेट हो चुका है सब्ज़ी में से, और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक ही गई है। एंड कलर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे गोभी और बीन्स। गोभी को हमने बॉईल कर लिया और थोड़ा सा फ्राई कर लिया, बीन्स आप ऐसे ही डाल सकते हैं। सब चीज़ों को हमको फिर अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने कच्चा ही डाला है बिकॉज शिमला मिर्च को पकने में टाइम नहीं लगता, इसलिए। उसके बाद हम सब्ज़ी को भी एकदम अच्छे से ढक के पका लेंगे। उसके बाद जब हमारी सब्ज़ी पक जाएगी तो हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी, उसके बाद भी हम ढक के पका लेंगे उसे।
बीच बीच में ध्यान देते रहिएगा सब्जी को, वो आपके बर्तन से चिपके ना, नहीं तो आपकी बिरयानी फिर बाद में जल सकती है। अब हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर। और अब देख सकते हैं कि ऑयल एकदम अच्छे से सेपरेट होने लगा है सब्जी में से। अब हम डाल रहे हैं बिरयानी मसाला, इसके बिना बिरयानी तो अधूरी है। अब हम ऐड कर रहे हैं पनीर जिसे हमने फ्राई कर लिया था। उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी बनाने के टाइम में ना वी शुड हैव सम पेशेंस, बिकॉज वो बहुत थोड़ा मेहनत का काम है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम आधी सब्जी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाद इसके ऊपर हम बिरयानी चावल की एक अच्छी लेयर बैठा देंगे। अब हम ऐड करेंगे केसर जो हमने दूध में भिगो के रखा था। अब इसके ऊपर हम सब्जी ऐड कर देंगे जो हमने पहले सेपरेट कर लिया था। अब हम फिर एक लेयर राइस बैठाएंगे ऊपर से। आप चावल को एकदम अच्छे से फैला लें। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं घी। आपको ना घी ढालने में एकदम कंजूसी नहीं करनी, एकदम बढ़िया तरीके से ढालनी है। अब हम ऐड कर रहे हैं ऑनियन जिसे हमने गोल्डन फ्राई कर लिया था। अब हम ऐड कर रहे हैं रोज वाटर। ये सबसे ना खुशबू बहुत ही लाजवाब आती है। और आप बिरयानी को अच्छे से ढक लीजिएगा, पका लीजिएगा, उसके बाद बीच बीच में मिक्स भी करते रहिएगा, नहीं तो आपकी बिरयानी नीचे से जल सकती है। बिरयानी हमारी रेडी है। अब बिरयानी को सबसे बेस्ट छोले के साथ ही बिरयानी लगती है। अब बिरयानी को आपकी मनपसंद सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। उनको भी याद दिलाए कि आपको भी बिरयानी खानी है, वो भी उनके हाथ।